एक ये है, जहां उम्मीद नहीं होती है वहां भी हवा की तरफ पहुंचो, और एक तुम हो, यू आर फायर। दुनिया के इतिहास में सबसे धुरंधर धमाकों का धुआं। देखा, अब जाना पड़ेगा। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट अनिल कपूर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं बालवीर वर्सेस फ्लाइंग जट वर्सेस क्रिश के बीच में। सो ये आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बी श्योर आप वीडियो में तक तो यार जरूर ही बने रहे, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपडेटेड वीडियो होने वाली है। इसमें अपन फुल डिस्कस करेंगे इन तीनों सुपर हीरोज की बेसिक एंड मोस्ट पावरफुल स्पेशल एबिलिटीज की, एंड कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सो यस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, अगर आप इन तीनों में से किसी एक के भी फैन हैं। अगर तो तीनों के फैन हो तो जल्दी जाओ, कमेंट करो और बताओ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो पहले आइकन दिख रहा है ना इसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है तो। थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि फ्लाइंग जेट वर्सेज बालवीर वर्सेज क्रिश की आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। तो देखो, जो बालवीर है उसने एक उल्का पिंड को रोका था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से, जो कि अर्थ के ही लगभग बराबर का था, और बालवीर ने अपनी रॉ स्ट्रेंथ के चलते उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके रास्ते में ही, यानी कि इन स्पेस, जिससे हमें यह पता चलता है बालवीर एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग है रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पे। वहीं यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है उसने अपनी रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पे कोई ऐसा काम नहीं किया है सिवाय के ट्रक को एंड लिफ्ट करके एंड एक कार को टोक करके, जो कि ऑब्वियसली बराबर का नहीं है। फ्लाइंग जेट का ये फीड बालवीर के बराबरी का तो नहीं है। वहीं अगर क्रिश की बात की जाए तो क्रिश ने एक जो एरोप्लेन है उसको क्रैश होने से बचाया था एंड उसके आधे वजन को लिफ्ट किया था, और उसमें जो पैसेंजर थे उनका वजन भी कहीं ना कहीं क्रिश पर ही आ रहा था, बट फिर भी क्रिश टिका रहा एंड उस चीज़ को सहा अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और साथ ही में उसने एक आधी टूटती हुई बिल्डिंग को भी बचाया और उठाए रखा उसने काफ़ी देर तक, और साथ ही में एक छोटे मोटे कार एंड ट्रक्स को तो वो इजीली रोक सकता है या उठा भी सकता है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिश एक्चुअल में वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे बहुत सही है, पर क्लियरली स्ट्रेंथ में यहाँ पर फ्लाइंग जेट ना तो क्रिश कोई नहीं जीता, बालवीर जीता। और अगर स्पीड की बात की जाए तो जो बालवीर है वो स्पीड में अच्छा है, लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। फ्लाइंग जेट इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो जब ट्रैवल करता है अपनी फुल स्पीड से तो चीज़ें और टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है। क्रिश की स्पीड अच्छी है क्योंकि जब वो ट्रैवल करता है तो एक सोनिक बूम क्रिएट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 10 मैक तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, जिस वजह से अपन ये क्लियरली यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ ये जो कैरेक्टर्स हैं इनकी स्पीड अच्छी है। बट कहीं ना कहीं जो दो कैरेक्टर्स हैं बालवीर एंड फ्लाइंग जेट, इन दोनों में स्पीड में क्लैश है। जो क्रिश है वो स्पीड में इतना खास नहीं है, अभी के लिए तो नहीं। तो बालवीर और फ्लाइंग जेट में कौन है ज़्यादा फास्ट, अगर इस चीज़ को जानना हो तो देखो, जो फ्लाइंग जेट है वो इतना फास्ट हमें देखने को मिला है कि टाइम स्लो हो जाता है। वहीं ऐसी कुछ स्पेशल स्पीड के बेसिस पे हमें बालवीर की एबिलिटी नहीं देखने को मिली है, बट स्पीड का मेन मोटिव होता है कि कौन कितने जल्दी किस जगह से कहाँ पहुँच सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो बालवीर एक्चुअली स्पीड के साथ में, लाइट स्पीड के साथ में टेलीपोर्ट हो सकता है, तो बात यहीं खत्म, बालवीर विन करता है स्पीड को। एंड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ क्विक रिफ्लेक्सेस की, तो यहाँ पर वो तीनों के पास ही बेटर है, तो तीनों को हम ये पॉइंट दे सकते हैं। और आगे चलकर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ड्यूरेबिलिटी की, बालवीर की ड्यूरेबिलिटी ओके ओके है उसकी, जो मतलब देखो अगर उसको हार्म किया जाए, जो कि हो जाता है वो इजीली हार्म किसी भी वेपन से, तो वो हील कर सकता है बट एक्सटर्नली मैजिक के थ्रू, और जो फ्लाइंग जेट है वो इंटरनली यानी कि अपनी खुद की पावर्स के चलते हील हो जाता है, चाहे उससे बुलेट लग जाए। हाँ बहुत ज़्यादा अगर उसको डैमेज दे दिया तब उसको हील होने में टाइम लगता है, बट अगर उसको गोलियां मारी जाए 10-20 गोलियां तब भी वो इजिली हील कर जाएगा। वहीं जो क्रिश है उसको हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट हीलिंग पावर उसकी उतनी नहीं है। और अगर हीलिंग में मुझे इनमें से किसी एक को पॉइंट देना हो तो वो फ्लाइंग जेट ही होगा। नाउ अब अगर एक्सपीरियंस एंड टैक्टिक्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर क्रिश के पास ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर एंड फ्लाइंग जेट के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्रिश को बीट कर सके। अब अगर यहाँ पर मैं अदर
एबिलिटीज़ की बात करूँ तो वो बालवीर के पास ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास अदर एबिलिटीज़ भी है, साथ ही में मैजिकल एबिलिटीज़ भी है। तो स्पेशल एबिलिटी यहाँ पर फ्लाइंग जेट एंड क्रिश के पास उतनी खास नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग जेट की स्पेशल एबिलिटीज़ है उसकी एक्स्ट्रा पावर्स, जैसे कि वो किसी भी चीज़ को अगर छू जाता है, मतलब मान लो एक बुक, किसी डांसर की बुक, अगर उसको वो छूएगा तो वो डांस करने लग जाएगा इजीली, उसे आता भी नहीं होगा। तो और इस तरीके से वो क्या पता और कैरेक्टर्स की पावर्स को भी गेन कर ले। और यहाँ पर जो क्रिश है, अगर उसकी स्पेशल एबिलिटी की बात करूँ तो वो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ है उसके पास, और यहाँ फ्लाइंग जेट है उसके पास मैजिकल एबिलिटीज़ है। तो मुझे यहाँ मैजिक सुपीरियर लगता है इसमें, क्योंकि मैजिक के चलते बालवीर के पास काफ़ी चीज़ें आ जाती है। बट क्या हुआ अगर जो फ्लाइंग जेट है वो सुपरमैन की फोटो को छू ले, तो क्या वो सुपरमैन बन जाएगा? इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैंने इसका आंसर दे दिया है अपनी बैड फ्लाइंग जेट वर्सेज गुड फ्लाइंग जेट की वीडियो में, तो आपको अगर जानना है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। नाउ आज का जो हमारा क्लियर विनर है, जिसने ज़्यादा पॉइंट गेन किए हैं, वो यहाँ पर है बालवीर। एंड उसने कितने पॉइंट गेन किए ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो कमेंट बॉक्स में ये बताएगा किसने ज़्यादा पॉइंट गेन किए और कितने पॉइंट, उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो नाउ वी बैट कैन, बाय बाय।